સુરતના નાનપુરા પોલીસ ચોકી પાસે ઝેડ પ્લસ સિક્યુરિટી નજીક ગુલશને ખ્વાજા અબુ તાલિબ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મુસ્લિમ સમાજના ગરીબ વર્ગો માટે રાશન કીટ તૈયાર કરવામાં આવી છે। જ્યારથી લોકડાઉન શરૂ થયું છે ત્યારથી આ સંસ્થા ગરીબોની સેવામાં કાર્યરત છે। मेरा नाम सैयद जियाउद्दीन है और हम पिछले लॉकडाउन के 52 दिनों से इस मुहिम के लिए मेहनत कर रहे थे कि ज़रूरतमंद लोगों तक कुछ राशन की किट पहुंचाई जाए, जिनको रोजिंदी ज़रूरत के मुताबिक काम में आ सके। तो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हमने राशन की किट तैयार की थी, जैसे 5 लोगों की जो फैमिली हो और उनको 1 महीना भर राशन चल पाए, इस तरह की हमने 30 से ज़्यादा किट तैयार की थी और ज़रूरतमंद लोगों को नात जात के भेदभाव के बगैर हमने उन तक पहुंचाई है। और अब ईद उल फितर का त्यौहार आ रहा है तो इस मौके पर हमने ईद उल फितर में काम आ सके इस टाइप की किट तैयार की है और 70 से ज़्यादा लोगों तक ये किट पहुँचे ये हमने सोचा था, लेकिन माशाअल्लाह उससे ज़्यादा हुआ है। अल्लाह हमारी एक खिदमत को कबूल करे और हमारा जो ट्रस्ट है गुलशन ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम और इस ट्रस्ट के जो 16 मेंबरान हैं उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है, अच्छा साथ दिया है। और दुआ करता हूँ मैं रब ताला से कि ये 16 मेंबरान आगे भविष्य में भी ऐसी मेहनत करें और समाज के लिए एक नया मुकाम हासिल करें। आपका नाम? मेरा नाम है अशफाक सैयद, जो हमारी ट्रस्ट की जानिब से अभी ये जो लॉकडाउन पिछले 52 दिनों से जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर हमारी टीम जो है पूरी गुलशन ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो हमारे ट्रस्ट मुकम्मल हुई है, वो ट्रस्ट के ज़रिए हमने पिछले लॉकडाउन शुरू होने हुआ था तब हमने 32 जैसे किट ज़रूरियातमंद लोगों को पहुंचाई थी, कोई भी जात के नात जात के भेदभाव वगैरह। और अभी फ़िलहाल ईद उल फितर का त्यौहार नज़दीक है और हमने ये सोचकर भी कुछ ज़रूरियातमंद, सूरत शहर के अंदर अभी लॉकडाउन जारी है 31 मार्च तक, तो हमारी ईद अन करीब है, उसके लिए हमने एक दूसरी किट तैयार की है ईद उल फितर के लिए और वो किट भी टोटल 72 जैसी किट तैयार की है, जो कोई भी जात के भेदभाव अगर हम ये किट पहुंचा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके अंदर करीबन 20 जैसी आइटम तैयार की है जो ईद उल फितर में यूज़ हो रही है वो भी, और राशन वगैरह भी हमने सब तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये किट यूज़ इंशाल्लाह 5 जन की अगर फैमिली है तो वो 1 महीने तक उसको यूज़ कर सके, इस तरह की हमने किट तैयार की है।
और हमारी ये गुलशन ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम चैरिटेबल ट्रस्ट के कुल 16 मेम्बरान से, और माशाल्लाह इन्होंने खूब मेहनत करके पूरे शहर से हमें डोनेशन भी मिला हुआ है, और वो डोनेशन के जरिए हमने ये किट तैयार की है। और सरकार से हम ये अपील भी करते हैं कि जो लॉकडाउन अभी बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद को पहुँच सके, हर चीज़ की जो फैसिलिटी उन्हें मिल सके, ऐसी सरकार भी कोशिश करे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे ट्रस्ट के जरिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की हम खिदमत कर सकें। લોકડાઉન વચ્ચે ચોરી અને લૂંટના બનાવો વધી રહ્યા છે ત્યારે લિંબાયત નગરના કમરુનગરમાં ભરાતી ફ્રૂટ માર્કેટમાં ચોર ટોકરી સક્રિય થઈ હોય જેવા દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે।